हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अकाउंट का है और डिवेंचर का है। इसके पहले हम देख चुके हैं कई तरह के हम वीडियो की शेयर्स हमने पढ़ा है ना। आज हम पढ़ रहे हैं डिवेंचर्स के बारे में कि डिवेंचर्स क्या होता है और किस तरह से इसका यूज़ होता है और किस तरह से कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कॉमर्स सतीश को। देखते हैं डिवेंचर का डेफिनेशन। तो डिवेंचर्स क्या है? डिवेंचर कुछ नहीं, एक लोन का प्रोसेस है। जब कोई कंपनी, जो लार्ज कंपनियाँ हैं, वो जब कभी किसी मनी लेंडर से, ऐसे लोगों से जिनके पास पैसा है, वो जो पैसे उधार देते हैं, जो इंटरेस्ट पर पैसे प्रोवाइड करते हैं, फंडिंग देते हैं, वो लोग जब कंपनी को एक लमसम अमाउंट्स पे करते हैं और कंपनी उनके बारे में उनको एक लिखित एक्नॉलेजमेंट डिक्लेयर करती है, उसे हम डिवेंचर कहते हैं। समझते हैं इसको हम अपनी बुक की लैंग्वेज में, ये तो जनरल लैंग्वेज था। डिवेंचर इज अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म, एक ऐसा माध्यम जो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसा एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हमें लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। यूज बाय लार्ज कंपनी टू बोरो मनी एट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब लार्ज स्केल कंपनियां फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बोरोइंग करती हैं पैसा और उसके बदले में एक डॉक्यूमेंट्स इश्यू करती है, एक इंस्ट्रूमेंट्स देती हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स देती हैं, उस चीज़ को हम डिवेंचर्स कहते हैं। फिर से शॉर्ट में समझ लीजिए, डिवेंचर इज अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, उधार लिए हुए पैसों का विवरा या वो एग्रीमेंट जो कंपनी और मनी लेंडर्स के बीच में होता है, जिसमें कंपनी एग्री करती है कि वो एक समान टाइम ड्यूरेशन के बाद फिक्स इंटरेस्ट से आपका पैसा पे करेंगी। इस चीज़ को, इस डॉक्यूमेंट्स को, इस एक्नॉलेजमेंट को हम डिवेंचर के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिवेंचर का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसा कि डिवेंचर में कॉमन सील भी होती है। अब कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें डिवेंचर्स के, तो डिवेंचर का कैरेक्टर्स ये है कि इसमें कॉमन सील लगी होती है कंपनी। आप सभी लोग जानते हैं कॉमन सील के बारे में। डिवेंचर की इंटरेस्ट रेट पहले से ही फिक्स होती है। डिवेंचर की इंटरेस्ट रेट फिक्स होती है। डिवेंचर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लोन के लिए इशू किया जाता है, यूज़ किया जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी डिवेंचर इशू नहीं करती है। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट हो गया, लॉन्ग टर्म फंडिंग हो गई, सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट्स, इन केस अगर कोई भी कंपनी लॉस में है या फिर कहीं भी कुछ भी है तो कंपनी क्या नहीं करती है। अगर कंपनी लॉस है तो कंपनी को अपने डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट, उनके एसेट्स का शोल्ड करके भी पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं हमारे डिवेंचर्स। ठीक है, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, सबसे पहले इनकेस अगर कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले किसको पेमेंट दिया जाता है? डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है डिवेंचर होल्डर्स को। इनमें कॉमन सील लगी होती है, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ आपसे, इनको वोटिंग राइट्स नहीं होते क्योंकि ये तो मनी लेंडर हैं, इन्होंने पैसे दिए हुए हैं। अगर इन्होंने पैसे दिए हैं तो इनको मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करने का कोई राइट्स नहीं है। क्लियर है? तो बच्चों, डिवेंचर का डेफिनेशन समझ में आ गया आपको, इसके कैरेक्टर समझ में आ गए आपको। डिवेंचर इज अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। क्लियर? कैरेक्टर्स में अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट है डेट का, ये लॉन्ग टर्म लोन के लिए दिया जाता है, एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होता है और इनका पेमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है, इनमें कॉमन सील लगी होती है और इनको वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। चलिए, इसके आगे हम आज इस वीडियो में देखते हैं डिफरेंट बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि शेयर्स और डिवेंचर जब दोनों एक जैसे हैं या इशू एक जैसे हो रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है। दोनों से ही हमारे सोर्स ऑफ इनकम है, एक हमारा ओनर कैपिटल है और एक क्या होता है, बोरो कैपिटल होता है। ठीक है, देखिए डेफिनेशन, स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का एक छोटा यूनिट्स क्या कहलाता है, हमारा शेयर्स कहलाता है, जबकि उधार लिए हुए पैसों का एक्नॉलेजमेंट क्या कहलाता है, डिवेंचर्स कहलाता है। क्लियर है? रिटर्न के बदले में शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, यानी कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जबकि यहाँ पर क्या मिलता है, डिवेंचर होल्ड किए हैं कंपनी ने और डिवेंचर होल्ड किए हैं जिसने पैसा दिया है डिवेंचर होल्डर ने, और उनको उसके बदले में क्या मिल रहा है, पैसे देने के बदले में इंटरेस्ट के तौर पर रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है। टाइप्स अगर हम बात करें शेयर्स की, तो शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, दो टाइप्स में शेयर्स को डिवाइड किया गया है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में हम इसके डिफरेंस के बारे में डिस्कशंस भी कर चुके हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं। लेकिन डिवेंचर कई टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स थे ना, वैसे इसमें डिवेंचर के भी टाइप्स, जैसे रिडीमेबल डिवेंचर, नॉन रिडीमेबल डिवेंचर, सिक्योर डिवेंचर, अनसिक्योर डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, इस तरह के कई टाइप्स हैं हमारे डिवेंचर्स के। देखते हैं टैक्स सेविंग, देखिए कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी को कोई टैक्स सेविंग का बेनिफिट्स नहीं मिलता है, लेकिन कंपनी ने अगर कोई लोन लिया है और अगर लोन का इंटरेस्ट पे करती है तो कंपनी को सीधी सी बात है उसका एक्सपेंसेस है, तो उससे टैक्स सेविंग्स होती है। तो बच्चों, आज की वीडियो आपने क्या देख लिया, डिवेंचर्स, उसके कैरेक्टर्स और शेयर्स और डिवेंचर में डिफरेंस। 2 सेकंड के लिए स्क्रीन से अलग हो रहा हूँ।
स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।